बड़े ही सौभाग्य की बात। हेलो पहलवान साहब ऊपर। आज मेरे बोस के सामने इस खाकसार की रागनी हो रही है। मैं तो चाह रहा था कि कलाकारों का एक एक का ही नंबर आ रहा है, परंतु आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आदरणीय मैनेजमेंट कमेटी ने दोबारा से मौका दिया और मेरे बोस मेरे सामने। और तर्ज भी होगी, दरोगा जी चोरी हो गई। एक चौधरी साहब जैसे ही अपने घर से निकले, संगीतकार बंधु, पीछे से घरवाली ने पकड़ लिए कि आज घर से जब जाओगे पहले बच्चों के लिए दूध का जुगाड़ करके जाओ, क्योंकि कई साल से भैंस नहीं ब्याई। चौधरी साहब पावले से भैंस खोलकर जंगल में ले गए, मारना पीटना शुरू कर दिया। उधर से महादेव पार्वती आ गए, कहने लगे भाई बच्चा क्यों मार रहा है इसे, अक्साली कई साल से ब्याई ना इसलिए मार रहा हूं। अगर तेरी भैंस ब्या ले तो बिल्कुल मारना पीटना बंद। भोले शंकर ने वहीं से घास उपाड़ी और चौधरी साहब को दे दी। प्रेमी साथियों सुनने लायक बात है, भोले शंकर ने घास उपाड़ी शेर सिंह और चौधरी साहब को दे दी, लाई से खवा दी जब तेरी भैंस ब्या लेगी। चौधरी साहब ने तुरंत आधी भैंस को खवाई आधी अपनी जेब में, भैंस तो एकदम टनाटन। अपनी को लेकर गांव में आ गया, बच्चों से कहने लगा कि बांधो इसे। बच्चे देखने लगे अब तो पापा इसे वैसे ही ले गए, अभी तो विवाह के लिवाए। आसपास शोर मच गया गांव में, किसी नई नवेली दुल्हन के छह साल से कोई बच्चा नहीं हुआ। उसकी सासू ने सोचा सुनहरी मौका तू भी फायदा उठा ले, चौधरी साहब के पास में लेकर अपनी बहू को आ गई। कहने लगी चौधरी साहब हमारी बहू के भी बालक कर दे। अब ठीक है जी कर देंगे। चौधरी साहब ने थोड़ी सी घास बुढ़िया को दे दिया कि लई से खवा दीजिए, तेरे बालक नन्ना हो जाएगा बहू के। बुढ़िया ने सोची कभी नास पीठे ने गलत दे दी हो, पहले तू चेक कर ले। पहले बुढ़िया ने खाई फिर बहू को खिलाई, दोनों ही टनाटन। दोनों के लड़का हुआ, अपने को ले जाके गांव में पहुंच गई, बहुत खुशी की बात। गांव में पंचायत हो गई, भाई बहू के बालक कर दिया, बहुत खुशी की बात। इसने 70 साल की बुढ़िया के भी बालक कर दिया, ये गलत हो गया। ऐसे करो इसके नाम की रिपोर्ट बागपत थाने में कर दो, सीओ साहब तफ्तीश करेंगे। चार सिपाही लेके सीओ साहब पहुंच गया, कहा तो ठीक ठाक मामला बनेगा। पहुंच गए चौधरी साहब, जेल जाना पड़ेगा। अब ठीक है साहब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, परंतु उससे पहले अतिथि की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बैठो पानी तो पियो, जेल तो मुझे जाना ही है। पुराने जमाने की बात है, कुआओं से पानी भरा जाता था। चौधरी साहब ने सोचा कि भाई पुलिस सबूत ढूंढे, सबसे पहले इस घास को तड़ोड़ मड़ोड़ करके कुआं में फेंक दी और झोटा मार के। और चौधरी साहब भर के ले आए, पहले सीओ साहब को पिलाया, फिर चारों सिपाहियों को, जो भी पीता गया वो ही होता गया। पांचों टनाटन, कहां तो पैसा लेने की बात थी, वापस देने की बात करने लगे। भाई चौधरी साहब हमारा फंद काट, हम तेरा कुछ ना बिगाड़े, 100-100 रुपया प्रति आदमी देंगे। अक नहीं जी, अक 200-200 ले लीजिए। अक नहीं जी, 500-500 ले लीजिए, तेरे लिए बहुत है। अक नहीं जी, 1000-1000 भी दोगे ना आपके ब्योता तुम्हें ब्याना ही पड़ेगा।